संकल्प की बारी है, जाग उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है, स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है, स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है, जाग उठा है देश ये सारा, अब स्वदेश का एक भी पैसा जाएगा ना विदेश में, अब स्वदेश का एक भी पैसा जाएगा ना विदेश में, तन भी स्वदेशी मन भी स्वदेशी, सुख है अपने ही वेश में, तन भी स्वदेशी मन भी स्वदेशी, सुख है अपने ही वेश में, है सामर्थ्य बुझाए सक्षम देश की जनता सारी है, है सामर्थ्य बुझाए सक्षम देश की जनता सारी है, जाग उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है, जाग उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है, स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है, स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी, सबको योग सिखाए जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, पीड़ा पतन की तोड़ेंगे कारा, पीड़ा पतन की तोड़ेंगे कारा, ममता की निर्मल बहाएंगे धारा, ममता की निर्मल बहाएंगे धारा, समता का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, समता का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, और मन की तुम्हें से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे, तार मन की तुम्हें से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे, आरजू है यही के तेरी गोद में, आरजू है यही के तेरी गोद में, बाबा हंसती हर एक जिंदगी ही रहे, हर मन की तुम्हें से जुड़ी ही रहे, तार मन की तुम्हें से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे, आरजू है यही के तेरी गोद में, बाबा हंसती हर एक जिंदगी ही रहे, तार मन की तेरी से जुड़ी ही रहे, योग आयुर्वेद स्वदेशी एवं वैदिक संस्कृति के माध्यम से सेवा साधना एवं संघर्ष द्वारा राष्ट्र एवं मानवता की सेवा के गौरवशाली 30 वर्ष पूर्ण होने पर संस्थान के विभिन्न सेवा प्रकल्पों पर आधारित कार्यक्रम पतंजलि सेवा प्रकल्प के विशेष प्रसारण में कल तृतीय कड़ी में दिव्य फार्मेसी, जहां आयुर्वेद की सबसे विश्वसनीय औषधियों का निर्माण होता है, साथ ही पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क स्थित दिव्य फार्मेसी की दूसरी यूनिट की विभिन्न निर्माण इकाइयों से आपको परिचित करवाया। आज की कड़ी में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क स्थित केंद्रीय प्रयोगशाला के साथ साथ पतंजलि जैव अनुसंधान संस्थान की गतिविधियां तथा पतंजलि आयुर्वेद की हर्बल बाथ सोप, वॉशिंग डिटर्जेंट एवं केक, पतंजलि खाद्य आदि विभिन्न निर्माण इकाइयों से हम आपका परिचय कराएंगे।
नित्य सनातन आर्य हिंदू वैदिक संस्कृति का मूल है वेद, वेदो अखिलो धर्म मूलम, और वेद का उद्घोष है उपहवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अचायत। गिरियों की तलहटी में, कंदराओं में, गुफाओं में सन्यासी योगी सिद्धों ने, अरण्यवासी ऋषियों ने तप किया। नदियों के संगम पर उनको आत्मबोध हुआ और जब उन्होंने अपनी आत्मा में उस परमात्मा की दिव्यता का अनुभव करके अपने भीतर के महामानव को, अपने भीतर की महान आत्मा को जागृत करके वो पुरुष से महापुरुष, मानव से महामानव बने, उन्होंने देवत्व ऋषित्व को प्राप्त किया। वही प्रेरणा हम सबको दी और हमारी सारी ऋषि संस्कृति, देव संस्कृति, वैदिक संस्कृति इसी बात पर केंद्रित है। एक एक व्यक्ति के भीतर अपरिमित ज्ञान शक्ति सामर्थ्य है। पिंड में सारा ब्रह्मांड, यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। एक एक व्यक्ति की आत्म ज्योति जगे, एक एक व्यक्ति के भीतर का सामर्थ्य जगे और एक एक व्यक्ति अपने भीतर और बाहर सर्वत्र पूर्णता की अनुभूति करता हुआ इस जीवन और जगत में शुभ का आधान करे। उसी के लिए है भगवान का विधान वेद, उसी के लिए है सारी वैदिक संस्कृति और उसी के लिए सारी सृष्टि प्रकृति और जीवन का सारा पुरुषार्थ। हमने आपको ये पतंजलि की यात्रा इसलिए दिखाई है कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में से यदि 125 लोगों ने भी इस यात्रा को ठीक से समझ लिया, जान लिया, जानने का मतलब वैसा होना, और उन्होंने भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य को यदि जागृत कर लिया तो हम समझेंगे कि हमारा यह जो पुरुषार्थ है ये सार्थक हो गया। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में पुरुषार्थ करता हुआ अपना अभ्युदय और निश्चय सिद्ध करना चाहता है, वो जीवन में सफल भी बनना चाहता है और सफलता पाने के साथ साथ वो सुख भी पाना चाहता है, और मात्र सुख ही नहीं, वो शाश्वत सुख, शाश्वत शांति पाना चाहता है। तो आप जीवन में सुख पाए, समृद्धि पाए, सफलता पाए, शाश्वत शांति पाए, इसके लिए हमने आपको इस पूरी योग यात्रा के बारे में बताया। और मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे हम आसमान की कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाएं, हमें अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। मैं पतंजलि से सीधा आपको गंगा जी के किनारे इसलिए ले आया कि 21 वर्ष पहले इसी गंगा के किनारे, इसी घाट से हमारी यात्रा शुरू हुई। अब तो यहीं पर पतंजलि का एक छोटा सा आश्रम बन गया है और इस आश्रम में जिसको साधना करने का बहुत मन करे वो आकर के गंगा जी के किनारे बैठ करके और ध्यान लगा सकता है, प्राणायाम कर सकता है, योगाभ्यास कर सकता है, आत्मचिंतन करके अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा सकता है। हमने जब 21 वर्ष पहले अपनी यात्रा शुरू की थी तो इसी पवित्र तीर्थ कनखल के, इस गंगा जी के किनारे पर
दो आदमी आकर के हमसे योग सीखा करते थे, भाई योगेश गुप्ता जी और उनके साथ एक बंसल जी आया करते थे। यहाँ से यात्रा शुरू हुई, फिर सूरत में हमने कैंप किए, वहाँ लगभग 200 आदमी आने लगे। उसके बाद फिर 2000, फिर 2000 क्रॉस जैसे ही किया हमने, माने ये 5 जनवरी 1995 को विधिवत यात्रा शुरू हुई, उससे पहले हम योगाभ्यास तो कर ही रहे थे, लेकिन 2000 के बाद जैसे ही 1000 में हम आए, तो सन 1000 में फिर 10,000, फिर तो 25-50,000 लाखों करोड़ों लोग जुड़ते गए, यात्रा आगे बढ़ी। मैंने बार बार कहा है, हमने विरासत में समृद्धि प्रसिद्धि या कोई प्लेटफॉर्म नहीं पाया, बस विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, अतीत का गौरव, वर्तमान का स्वाभिमान और एक स्वर्णिम भविष्य का संकल्प अपने हृदय में संजो के भगवान के अनुग्रह और आप सब करोड़ों देशवासियों के समर्थन से हम आगे बढ़ते गए और आज योग आयुर्वेद स्वदेशी और वैदिक संस्कृति की ये यात्रा निरंतर शिखर आरोहण पा रही है। और ये तो अभी यात्रा का प्रारंभ मात्र है, अभी तो बहुत ऊंचाइयों तक हमें सबको लेकर के जाना है, पूरे देश को लेकर के जाना है, पूरी दुनिया को हमें दिव्यता की ओर लेकर के जाना है। हमारा तो संकल्प ही है, मेरा सर्वस्व भगवान के लिए अर्पित है, मेरा सर्वस्व योग आयुर्वेद स्वदेशी और वैदिक संस्कृति के लिए, स्वराष्ट्र के लिए, पूरी मानवता के लिए समर्पित है। मैं एकमात्र व्यक्ति नहीं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधि हूँ, भारत माता का प्रतिनिधि हूँ, मैं मानवता का सत्य धर्म और न्याय का प्रतिनिधि हूँ। इस संकल्प के साथ हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और ये पतंजलि के प्रोडक्ट्स की यात्रा, ये हमारे जीवन का एक छोटा सा पहलू है और इसके पीछे की भी भावना ये है कि हमने देखा 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज भी विदेशी कंपनियों के आर्थिक लूट में देश फंसा हुआ है। विदेशी कंपनियों के इस मकड़ जाल से इस देश को बचा करके देश का पैसा देश में रहे और देश की सेवा में लगे, इसलिए सुबह से शाम तक आपके जिंदगी के लिए जितने जरूरी उत्पाद हैं वह हमने बनाए पूरी शुद्धता स्वच्छता सात्विकता और प्रामाणिकता के साथ, क्योंकि आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा और आपके भरोसे को हम किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ना चाहते। और इसीलिए पतंजलि के सारे प्रकल्प इसी पर केंद्रित हैं कि एक एक व्यक्ति का और इस पूरी समष्टि का कैसे हम उपकार कर पाएं। हम स्वयं आज भी जमीन पर सोते, आज से 21 साल पहले भी यही दो कपड़े थे और आज भी यही दो कपड़े, यही खड़ाऊ थी, आज भी यही खड़ाऊ है। विदेशी घड़ी, विदेशी गाड़ी, विदेशी मोबाइल, विदेशी वस्त्र, विदेशी जूता चप्पल का तो कोई प्रश्न ही नहीं। मैं कहता हूं, मैं ठेठ देसी आदमी हूं और लोगों को छोटी छोटी बातें ही सिखाता हूं, भाई बाल देसी हैं तो पैंटीन, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, डो, ये क्यों लगाते हो भाई, देसी बाल तो देसी केस कांतिया लगाओ। और हमने उस एड का भी एक जो उसके पीछे का जो दर्शन रखा है कि अब अपने बालों से कहो जुग जुग जियो, भाई 100 साल तक आपके बाल स्वस्थ रहे इसके लिए आप जड़ी बूटियों से बने हुए शैम्पू हैं, तेल हैं, केश कांति शैम्पू, केश कांति तेल, दांतों के लिए,
दंत कांति, बालों के लिए जड़ी बूटियों से बने साबुन, क्रीम्स, एलोवेरा जेल, माने हर फील्ड में नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक, इसके पीछे का मकसद एक ही है कि जब आप देसी हैं, आपके बाल देसी हैं, आपके दांत देसी हैं, तो फिर दांत देसी हैं तो फिर हमने कॉलगेट पेप्सोडेंट क्लोजअप क्यों, चमड़ी देसी है तो इस पर लॉक्स लाइफबॉय डॉ और पता नहीं क्या क्या फेयर एंड लवली और अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक लगाते हो। भाई अपनी चीज़ों के प्रति गौरव रखो। और मात्र स्वदेशी एक वस्तु का प्रश्न नहीं है, एक बहुत बड़ा विचार है। मैंने कहा विदेशी कंपनियां मात्र वस्तु ही नहीं लेके आती, वो विदेशी कचरा जो सामान के रूप में लेकर के आती है, जो पूरी दुनिया में बैन हो चुके हैं वो प्रोडक्ट लेकर के आती है, वो तो एक अपक्ष है। इसके साथ साथ वो विदेशी अपसंस्कृति लेकर के आती है, वो बर्गर के साथ, पिज्जा के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, वाइन के साथ और तमाम तरह की अश्लीलताएं लेकर के आती हैं। और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अर्धनग्न नारी को दिखाती है। तो विदेशी अपसंस्कृति से, वैचारिक गुलामी से और आर्थिक गुलामी से इस देश को मुक्त कराना, वही इस अभियान का एक पहलू है। इसके साथ साथ हर एक मानव के भीतर दिव्यता को जगाना, उसकी आत्मज्योति को जगाना और उसको उस परमात्मा के पथ पर, अनंत के पथ पर, भगवान के पथ पर लेकर के आना, हर मानव को महामानव बनाना, उसके भीतर के देवत्व को, ऋषित्व को जगाना, उसकी आत्मा में उस परमात्मा के प्रकाश को जागृत करके उसको अपने भीतर की और इस पूरी समष्टि की पूर्णता का एहसास कराना, जिससे कि हर एक व्यक्ति अकाम होकर के, निष्काम होकर के, आत्मकाम होकर के, ब्रह्म काम होकर के, भगवान का यंत्र बनकर के इस धरती पर जिए और एक सच्चा योगी बने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तपस्व्यो अधिको योगी, ज्ञानीभ्यो मतोधिका, कर्मीभ्य अधिको योगी, तस्मात योगी भव अर्जुन। एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ, आजकल योगी कौन है, सन्यासी कौन है, इसकी भी परिभाषा हमारे कुछ राजनीतिक दल करने लगे हैं कि योगी कौन है, सन्यासी कौन है, इसकी डेफिनेशन राजनीतिक दल नहीं करेंगे भाई। कुछ मीडिया के लोग जो धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति के बारे में, वेदांत के बारे में नहीं जानते, वो वेदांत की, भारतीय धर्म दर्शन, अध्यात्म संस्कृति की, और वो भी परिभाषा करने लगे हैं कि योगी और सन्यासी कौन है। योगी और सन्यासी कौन है इसको मीडिया तय नहीं करेगा, योगी और सन्यासी का आचरण कैसा होना चाहिए इसको कोई राजनीतिक दल नहीं तय करेगा। योगी और सन्यासी की परिभाषा स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने की है गीता में, योगस्थ कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते, अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। जो अकर्मण्य है, कुछ लोगों ने वेदांत के नाम पर अकर्मण्यता और दरिद्रता का ही प्रचार कर दिया और इस देश को गुलाम और गरीब बना दिया। गीता का संदेश है, वेद का उपदेश है और भारतीय संस्कृति का यह सार है कि आप अनाश्रित होकर के, माने कर्म फल की इच्छा का त्याग करके, भगवान का जो विधान है, भगवान के कर्म फल न्याय व्यवस्था में आपकी पूर्ण आस्था, बस आप कर्म किए जा रहे हैं, यह हृदय से स्वीकार करके, अनुभव करके कि सब ज्ञान का, सब शक्तियों का, सब सामर्थ्य का, सब ऐश्वर्य का, सारे वैभव का, सुख शांति आनंद का आधार तो भगवान है, स्रोत तो भगवान है, मैं निमित्त मात्र हूँ। और बस जो निमित्त मात्र भाव से काम करता है तो फिर वो सारा कर्म भगवान की पूजा बन जाता है। और ऐसे जो अकाम हो करके अपने लिए कोई चाह नहीं, बस भगवान ने मुझे सामर्थ्य दिया है इसलिए मैं अपना कर्तव्य भाव से कर्म कर रहा हूँ, ऐसा जो कर्म करता, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च, वह सन्यासी, स सन्यासी च योगी च, वह योगी है, न निरग्नि न चाक्रिय,
कुछ कर्मकांड छोड़ देना या अकर्मण्य होकर के बैठ जाना, यह योग नहीं है। इसलिए हमने सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक सुबह पूरे देश को योग करवाया, और सुबह 4 से 8 बजे तक योग कराने के साथ साथ जब मेरे शिविर होते हैं तो हर जगह शाम को बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए शिविर, महिलाओं के लिए शिविर, ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम करना, सुबह शाम योगाभ्यास करना, संध्या उपासना करना, दिन भर कर्म योग करना, पुरुषार्थ करते हुए अपना और जगत का अभ्युदय निश्चय सिद्ध करना, यही योग है, यही धर्म है, यही अध्यात्म है। धर्म के नाम पर भ्रम, अध्यात्म के नाम पर अकर्मण्यता, भारतीय संस्कृति के नाम पर कई तरह की भ्रांतियां जो पैदा हो गई हैं हमने उनको भी मिटाया है। आपको हमने ये थोड़ा सा जहाँ से यात्रा शुरू हुई उस गंगा जी के किनारे का दर्शन कराया है, और यहीं से गंगा के किनारे से पुनः आपको पतंजलि ले चलते हैं, और पतंजलि की यह जो पूरी यात्रा चल रही है, मैंने कहा ये तो अभी इसका प्रारंभ मात्र है, आगे एक एक गांव, गली, मोहल्ला में, एक एक शहर में योग की कक्षा लगे, सब योगी बने, सुबह उठ करके पूरा देश योग करे, ये हमारे इस अभियान का सर्वोपरि लक्ष्य है, सर्वोच्च ध्येय है कि बच्चा बच्चा योगी बने, 125 करोड़ हिंदुस्तानी और पूरी दुनिया के 700 करोड़ से ज़्यादा भाई बहन सब योगी बने, क्योंकि जब योग करेंगे तो किसी को रोग नहीं होगा, सब निरोगी होंगे, निर्व्यसनी होंगे, सब निर्द्वंद्व होकर के, निर्भय होकर के स्वस्थ, सुखी, शांत, समृद्ध, आनंदमय जीवन जिएंगे। योग हमारा मुख्य ध्येय है, और सब योग करते हुए कर्मयोग करें, योग के ऊपर निरंतर हम अनुसंधान के कार्य को कर रहे हैं, और योग के साथ हमने अब सबसे ज़्यादा फोकस किया है एजुकेशन के ऊपर। हम योग शिक्षा तो पूरे देश को देंगे ही, लेकिन योग शिक्षा के साथ साथ देश के बच्चों को वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा बहुत उच्च स्तर की मिले, और एक तरफ वो आधुनिक ज्ञान विज्ञान में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, डिफरेंट प्रकार के स्किल्स में इतने निष्णात हों, इतने कुशल हों कि वो पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकें, दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व उनके भीतर तैयार हो, और दूसरी तरफ वो अपने आत्मज्योति जगा सकें, वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के साथ उनको लेटेस्ट मॉडर्न एजुकेशन और अपने वो संस्कार देना जिससे वो सच्चे मानव भी बने। हमें अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे फार्मर्स, अच्छे नेता, अभिनेता, अच्छे कलाकार, अच्छे योगी, साधु, सन्यासी, आचार्य, विद्वान सब कुछ बनाने, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे इंसान भी बनाने। तो वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के संगम के साथ पूरे देश में आचार्य कुलम खुलें, लाखों करोड़ों बच्चों को हम शिक्षा दीक्षा दे सकें, तो यह आचार्य कुलम का अभियान, वैदिक गुरुकुलम का अभियान, पतंजलि विश्वविद्यालय का यह अभियान, शिक्षा पर पूरा हमने अपने आप को फोकस किया है, केंद्रित किया है। तो योग और